नमस्कार, मैं कीर्ति सोनी व्याख्याता गृह विज्ञान नोहर डिग्री कॉलेज नोहर। मैं महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को नोहर डिग्री महाविद्यालय के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्राओं, आज मैं आपसे BA प्रथम वर्ष के गृह विज्ञान विषय के प्रथम पेपर के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगी। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, प्रथम पेपर की जो हमारी बुक है उसका नाम है परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान। तो उसमें प्रथम बुक का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह कोशिका से संबंधित है। तो कोशिका जीवों की सबसे छोटी एवं क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है तथा हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस तरह हम एक किसी भवन का निर्माण करते हैं तो भवन का निर्माण करने में हमें ईंटों का प्रयोग करना पड़ता है तथा जिस तरह भवन का निर्माण छोटी छोटी ईंटों से होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण भी कोशिकाओं से होता है। कोशिका अत्यंत सूक्ष्म होती है जिसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने से हमें कोशिका के कुछ भाग एवं कोशिका में संरचना दिखाई पड़ती है, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, सेंट्रोसोम, लाइबोसोम, केंद्रक, गोल्जी बॉडी, रक्तिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया आदि आदि कोशिका की संरचना एवं कोशिका के भाग है तथा कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद हमारा दूसरी यूनिट का जो टॉपिक है वह है वृक यानी किडनी। किडनी क्या है एवं किडनी के हमारे शरीर में क्या कार्य होते हैं, तो आइए हम किडनी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वृक संख्या में दो होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट की गुहा के पीछे पीछे के शुरम दंड के दोनों ओर अंतिम पसलियों के सामने स्थित होते हैं तथा दायां वृक कुछ आगे एवं बायां वृक कुछ पीछे की ओर स्थित होता है और ये वृक झिल्ली के द्वारा ढके रहते हैं तथा झिल्ली को हटाकर देखने से हमें वृक का रंग है वह गहरा लाल एवं भूरे रंग का दिखाई पड़ता है तथा वृक का आकार सेम के बीज के समान दिखाई पड़ता है तथा वृक की लंबाई 10 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा वृक की मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है तथा वृक का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। तो ये है आपका वृक। अब आगे आते हैं आपके वृक के कार्य। वृक के कार्य में सबसे पहला वृक का कार्य वह है रक्त के संगठन को बनाए रखना एवं औषधियों तथा रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करना, अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखना, नए पदार्थों का निर्माण करना आदि आदि वृक के कार्य हैं। इसके बाद हमारा तीसरी यूनिट का जो टॉपिक है वह है गर्भावस्था। गर्भावस्था में होने वाले सामान्य कष्टों के बारे में चर्चा करते हैं। इस अवस्था में लगभग सभी स्त्रियों को कुछ ना कुछ कष्ट सहन करना पड़ता है। गर्भावस्था के आरंभ में तथा गर्भावधि के दौरान कई प्रकार के कष्ट होते हैं, जिनसे कई कष्ट तो सामान्य होते हैं एवं कई कष्ट ऐसे होते हैं जिनका अगर हम समय पर इलाज न करवाएं तो गर्भवती स्त्री के लिए घातक साबित हो सकते हैं तथा गर्भावस्था के दौरान होने वाले सामान्य कष्ट वह है, नंबर एक उल्टी आना, छाती में जलन, कमर में दर्द, शरीर में सूजन आना, पेट में दर्द, नींद में कमी आना, बाइंटे आना आदि आदि, भोजन के प्रति घृणा एवं प्रेम आदि आदि गर्भावस्था में होने वाले कष्ट हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा टॉपिक है वह है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से संबंधित है तथा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित है। स्वास्थ्य साधारण व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य का अर्थ है कि
वह व्यक्ति जिसका शरीर स्वस्थ हो, मन मस्तिष्क स्वस्थ हो, परिवार स्वस्थ हो तथा स्वस्थ वातावरण हो। WHO के अनुसार स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक हित की पूर्ण अवस्था भी है। अब आगे आते हैं आपके स्वास्थ्य को निर्धारित एवं प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सबसे पहला कारक है शिक्षा, आर्थिक स्थिति, पेशा अथवा कारोबार, रहन सहन का स्तर, सामाजिक स्थिति आदि आदि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक यानी कि पांचवा है, वह है भोजन एवं भोजन के कार्य। तो भोजन है वायु एवं जल के बाद एक अति आवश्यक आवश्यकता है, वह है भोजन, जिसके बगैर यदि अधिक दिनों तक स्वस्थ तथा जिंदा रहना संभव नहीं है तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। अब इसके बाद आपके आगे आते हैं भोजन के कार्य। भोजन के कार्य तीन प्रकार के होते हैं, शारीरिक कार्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य और तीसरा कार्य है मनोवैज्ञानिक कार्य। शारीरिक कार्य के अंतर्गत भोजन के निम्न प्रकार से कार्य आते हैं। नंबर एक, भोजन हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करने में मदद करता है। भोजन शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करता है तथा भोजन शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। नंबर दो है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य के अंतर्गत भी भोजन के निम्न प्रकार से कार्य हैं, जैसे भोजन आर्थिक स्तर का प्रतीक है, भोजन दोस्ती एवं आतिथ्य का प्रतीक है। नंबर तीन है आपका मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत भी भोजन के निम्न प्रकार से कार्य हैं, जैसे भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट करना, सुरक्षा की भावना के रूप में आदि आदि भोजन के कार्य हैं। इस प्रकार से BA प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।